नमस्कार, आप जो रहा गुजराती नंबर वन न्यूज चैनल जी चौबीस कलाक में अपनी साथ जूही सौ पहला बात राज्य की टॉप टेन खबरों की। आज मळशे राज्य पुरवठा निगम की पुरवठा विभाग मंत्री जयेश रादड़िया साथ बैठक। टेकाना भावे मगफड़ी खरीदी आयोजन ने अपाशे आखरी ओप। आवतीकाल थी रही है टेकाना भावे खरीदी की शुरुआत। 90 दिवस सुधी चालशे खरीदी की प्रक्रिया। सौराष्ट्र ने भावनगर मार्केटयार्ड में मगफड़ी की आवक बंद कर हवामान खाता की आगाही पगले बे दिवस मगफड़ी की आवक बंद करने लीधो निर्णय। खुलेआम मगफड़ी पलड़ी न जाए थे मगफड़ी की आवक बंद कर अगाउ वरसाद कारण मगफड़ी जत्थो पलड़ो हो। पूरता शेड अभाव मगफड़ी न ला खेडों ने अनुरोध। गुजरात में आगामी त्रण दिवस छूटाछवाया वरसद की आगाही। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में छूटाछवाया वरसद की आगाही। वलसाड, दमण, दादरा नगर हवेली सहित मध्य गुजरात में वरसद की आगाही। त्रण दिवस बाद गुजरात में थशे चौमा की विदाय। गुजरात मोटा भागना शहरों में चौमासु पूर्ण। गांधीनगर में आज चार कलाके मळशे वेधर वॉच कमिटी की बैठक। अमूल की 23मी तारीखे योजना चूंटनी पहला घमासाण। अमूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नवा डायरेक्टरों ने नॉमिनेट करने राजेंद्र सिंह परमार सहित नौ डायरेक्टरों उठाव्यो वांधो। नॉमिनेट न करने राज्य सरकार रजिस्टर ऑफिस पहुंचा। सरकार त्रण निमणूक नॉमिनेट करने हिलचाल सामे विरोध। आज त्रण नवा सभ्यों की निमणूक करने भरत पटेल, दिनेश पटेल और प्रभात झाला ने मळवानुं स्थान। भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साथ सी आर पाटिले करी मुलाकात। कबलम में प्रदेश आगेवानों साथे पण करी मुलाकात। मुलाकात दरमियान पेटा चूंटणी की तैयारी तथा प्रचार की रणनीति अंगे चर्चा करवामां आवी। बैठक दरमियान पीएम मोदी प्रवास तथा सरकार संगठन संकलन अंगे चर्चा करवामां आवी। अमदावाद शहर ने कांग्रेस में ककड़ाट। टीएमसी नेता विपक्ष दिनेश शर्मा राजीनामा बाद समर्थकों में रोष। मोटी संख्या में कार्यक्रमों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। दिनेश शर्मा राजीनामु न स्वीकार कार्यक्रमों की मांग। दिनेश शर्मा समर्थकों मुंडन कार्यक्रम रद्द कर दिनेश शर्मा समर्थन में करावा मुंडन। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन नेता विपक्ष राजीनामु। दिनेश शर्मा बाद कोने विपक्षी नेता बनावा ये मोटो प्रश्न। विपक्षी नेता की मुदत आता महीने पूर्ण थवानी कोने आपी आ पद माटे तैयार थशे प्रश्न। हाल दिनेश शर्माए राजीनामु फक्त प्रदेश प्रमुख ने आप्यू छे। म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने हजू पण नथी आप्यू राजीनामु। बापूनगर कोर्पोरेटर जेडी पटेल पर विपक्षी नेता बनवानी रेस में। मोरबी माणिया विधानसभा की पेटा चूंटनी माटे भाजपा उम्मीदवारों प्रचार जोरशोर से शुरू। भाजपा उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जाए भाजपा आगेवानों और कार्यकरों ने साथ राखी मोरबी में डोर टू डोर झूंबेश शुरू करी। शहर सामाकांठा विस्तार में आवेला वोर्ड नंबर चार में ब्रिजेश मिर्जाए पदयात्रा योजी मतदारों ने आशीर्वाद लीधा त्यारे फूलहार पहेरावी लोकोए तेमने आवकार्या। वडोदराना संजयनगर आवास योजना मामलो। वडोदरा कांग्रेस आवास योजना मामले मोटो घटस्फोट। पालिकाना सिटी इंजीनियर शैलेश मिश्रीए पीएमओ में खोटी माहिती आपी। कांग्रेसे त्रण वर्ष बाद पण आवास नो काम शुरू न थता पीएमओ में करी हती फरियाद। त्यारे सिटी इंजीनियरे माहिती आपी हती कि आवासना आठ ब्लॉक नो काम चाली रह्यु छे। जो कि आज सुधी में कोई काम चालू न थयु होवाथी कांग्रेसे योजनाना लाभार्थीओ साथे देखाव कर्या। पाटण में उत्तर गुजरात एचटीएटी आचार्यों आंदोलन मामलो। सीएम विजय रूपाणी समक्ष लेटर अभियान बाद आज शिक्षण विभाग में मेल आंदोलन शुरू कर। एचटीएटी आचार्यों शिक्षण विभाग में आज करते एक लाख की वधु मेल। रोषे भरायेला एचटीएटी आचार्यों की मांग ने वधु वेग आपवा माटे आज थी मेल आंदोलन शुरू कर। एचटीएटी आचार्यों पोतानी मांग ने लई सरकार सामे लेटर आंदोलन बाद नवु अभियान मेल आंदोलन शुरू कर। अमदावाद में रोजगार योजना अंतर्गत सोलार चरखा तथा सोलार शाला वितरण कार्यक्रम योजायो हतो। पिराणा खाते योजायेला कार्यक्रम में शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा उपस्थित रहा। गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड योजना पैटर्न अनुसार 65% सहाय करी है। सहाय धोरण मुजब कुल 430 सोलार चरखा तथा कुल 129 सोलार शाला वितरण लाभार्थी ने कर। सूरत में 201 करोड़ रूपया प्रोजेक्ट थू ई लोकार्पण। मुख्यमंत्री रूपाणी गांधीनगर से करू ई लोकार्पण। बीआरटीएस कॉरिडोर, यूसीडी सेंटर गार्डन लोकार्पण थू। शांतिकुंज और किल्लोल कुंज ड्रेनेज सिस्टम लोकार्पण थू। सूरत ने 51 करोड़ खर्चे बननार फन स्ट्रीट मनु ऊन विस्तार। ऊना विस्तार में नवी प्राथमिक शाला तो सूरा विस्तार में 1200 आवासों ई लोकार्पण कर।